का दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं ट्रिग्नोमेंट्री से कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम दो, 10th लेवल के भी क्वेश्चन है। यदि आप एयरफोर्स का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन है। एनडीए का देना चाहे वो भी, इसमें एनडीए के में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4 क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले क्या रेडियन में से रेडियन को हम डिग्री में कैसे चेंज करें ये समझाऊंगा, और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें ये 2 पॉइंट में समझाऊंगा। तीसरा क्या है, इसको सोल्व कैसे करें, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से ये सोल्व होगा। ये हमारे पास फॉर्मूले है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट मार लीजिए याद नहीं रहे तो। इस फॉर्मूले की मदद से हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन। यदि हम देख लीजिएगा, एक सर्कल है, इसके अंदर 2 पाई होता है, 2 पाई, रेडियन पाई में लिखा जाता है। 2 पाई में कितना, 360 डिग्री होता है, और पाई के अंदर 180 डिग्री, यानी पाई के अंदर 180 डिग्री होता है। तो 3 पाई बाई 5 के अंदर कितना डिग्री होगा, इसके अंदर 3/5 × 180 इतना ही होगा। पाई के अंदर 180 डिग्री होता है, तो 3 पाई/5 के अंदर कितना होगा, तो इस 180 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो उत्तर आएगा उसका 108 डिग्री होगा, 3 पाई/5 का मतलब। अब सेकंड क्वेश्चन है, 150 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, यानी 180 डिग्री से हमें क्या मिलता है, पाई। 1 डिग्री से कितना मिलेगा, पाई/180। तो 150 डिग्री से हमें कितना मिलेगा, पाई/180 × 150, इतना ही मिलेगा। दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, 180 डिग्री में पाई रेडियन होती है, 1 डिग्री में कितनी रेडियन होगी, पाई/180, 150 में कितनी होगी, तो पाई/180 × 150। अब इसका जो सॉल्यूशन कट जाएगा, 3 से कटेगा, 6 बार, ये 5 बार, इसका मतलब 5 पाई/6 रेडियन, ये उत्तर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 tan θ = 4, 5 tan θ = 4 ये हमको दिया हुआ है, और ये प्रूफ करना, इसका उत्तर लाना है, ये अपन गिवन है, और इसको हम इसका हमको आंसर लाना है। इस तरह से क्या है कि ये आप समझ लीजिए कि ये 5 tan θ यानी 5 sin θ दिया हुआ है, सही है कि 5 tan, इसको हमें साइन को टेन में कैसे बदले, यहाँ पर 5 sin θ। अब क्या करें, दोनों तरफ नीचे ऊपर दोनों सब कोस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास क्या है, तीसरे उत्तर, तीसरे का हमारे पास 5 sin θ -3 cos θ, 5 sin θ +2 cos θ, इसका उत्तर लाना है। यदि हमारे पास 5 tan θ = 4 है, तो इसको तो हम कैसे लाएंगे, इसका नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 sin θ/cos θ -3 cos θ/cos θ, नीचे 5 sin θ/cos θ -2 cos θ/cos θ, ये कट गया, cos θ से cos θ cos θ cos θ, ये 5 tan θ - 3, यहाँ पर क्या है, 5 tan θ - 2। अब हमारे पास 5 tan θ का था क्या है, 4 4 के बराबर है 5 tan θ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 - 3 4 - 2, 4 में से 3 गया 1 4 में से, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, सॉरी पॉजिटिव,
4 + 2 = 6, इसका सही उत्तर 1/6 आ गया। समझ में आ गया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 5 sin θ - 3 cos θ, 5 sin θ + 2 cos θ है, इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दिया हुआ है क्या, 5 tan θ = 4। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है, कुछ माइंड में देना पड़ता है किस तरह से करें। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि 5 tan θ = 4 है, तो ये 5 यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब साइन को हम 10 में बदलना है। तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या करेंगे, कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस से ये कोस कट जाएगा और साइन अपन कोस थीटा 10 θ होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इसको हम 5, ये इस तरह से आ गया। अब 5 sin θ की जगह 4 ये वैल्यू पुट करके इसका उत्तर ले आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि साइन -240 को कैसे हम फाइंड आउट करें। यहाँ पर नया क्या आया कि माइनस सॉरी साइन -240, इसको हम सोल्व करना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके अंदर एक फॉर्मूला है AST C, एक का मतलब इसमें सभी साइन कोस टेन थीटा सभी पॉजिटिव आएगी। इसमें S मतलब साइन और सेक पॉजिटिव आएगा। इसमें टेन मतलब टेन और कोट थीटा पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी नेगेटिव। इसके अंदर सी मतलब कोस और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, सॉरी इसमें साइन और कोसेक और इसमें कोस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी नेगेटिव आएंगे। तो शुरुआत करते हैं -240। इसको अंदर क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज है कि sin 240, यानी साइन के अंदर जो नेगेटिव बाहर आ जाता है sin 240, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 180 90 के। 240 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ना दो बार जाएगा तो कितना आएगा 180। 0 पीछे कितना 6 बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 + 60, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अब क्या है कि 90 90 यहाँ तक है, एक वहाँ पर दो, हम जितनी बार ये इसके आगे जो इंटीजर है उतनी बार हम उसको गिनेंगे। जैसे एक दो है तो एक दो, समझ में आ गया, एक दो इसके अंदर आएगा। यदि वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आगे क्वाड्रेंट में जाएगा। आगे की क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये साइन नेगेटिव में रहेगा। और 60 यदि यहाँ पर ओड होता तो साइन कोस में बदल जाता। यहाँ पर इवन है, इवन है तो नो चेंज, इवन में चेंज नहीं होता और ओड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोस 135, इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करें। सेम रूल है, इसके अंदर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे, 180 हो जाएगा, मतलब 45 ज़्यादा चले जाएगा, तो हम 45 माइनस कर देते इसके। दो बार जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और माइनस का मतलब उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, और नेगेटिव है मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। और इवन है तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा, कोस दो बार इवन आ गया तो नो चेंज। और अब यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा नेगेटिव लगेगा, इसका क्या, इसके अंदर दो बार मल्टीप्लाई मतलब एक और दो, और नेगेटिव मतलब इसी में रहेगा। इसी में क्या, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोस यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। -45, 45 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव -1/√2। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है 10 2 10 10 2 10,
210 डिग्री है, इसको हम कैसे इसका मान फाइंड आउट करें। चलो शुरुआत, सेम रूल, 210 को 90 से डिवाइड करेंगे तो दो बार जाएगा तो कितना आ गया, 180। पीछे कितना बचा, 30 प्लस का 30। अब यहाँ पर इवन है, नो चेंज, 10 का 10 हो जाएगा, 10 का 10 रहेगा। अब 10 किसके, दो सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब दो बार यहाँ पर इंटीजर किया, दो है तो यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे, 1 2। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन, और 30, 10 30 का वैल्यू कितनी है, 1/√3। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव आ जाता, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। धन्यवाद, आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये पसंद आया और आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।